हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? और थैंक यू सो मच, मेरा यूट्यूब चैनल में 3K हो गया है। मैं बहुत स्लो वीडियो बनाती हूँ और कभी कभी बनाती हूँ। तो आपको कभी भी ना कोई ब्यूटी से रिलेटेड या फिर स्किन का, हेयर का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है या फिर कोई ट्रीटमेंट सीखना है या फिर पूछना है उसके बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और ऑनलाइन तो आने का टाइम नहीं होता है और ऑनलाइन मुझे आने का मतलब हैबिट भी नहीं है ना, वो कंटिन्यू मैसेज जाते पढ़ते हैं तो कोई लोग नाराज़ भी जाते हैं। मैसेज कंटिन्यू जल्दी जल्दी नहीं पढ़ने होता है क्योंकि मैसेज नीचे चले जाते हैं ना दूसरे किसी और के, जब तक वो एक क्वेश्चन आता है दूसरा, एक आंसर दिया तक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है ऐसे। तो अगर किसी को भी कुछ सीखना है या कुछ बताना है या पूछना है तो आप मुझे एडवाइस भी ले सकते हो। आप उसमें मैं 25 ईयर्स से यही फील्ड में हूँ ब्यूटी के, मेरा सैलून है और मेडिसिन भी बना लेती हूँ आयुर्वेदिक, यानी स्किन के लिए काफ़ी कुछ है। आपको कोई भी हेयर वेयर का या फिर कोई ट्रीटमेंट भी है, स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिलैक्सिंग या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और अभी मैं अगर आई हूँ तो एक चीज़ छोटी सी और बता दूँ कि जब भी आपको कभी भी स्किन में कोई दाग या धब्बे या कोई प्रॉब्लम है और आपकी स्किन ऑयली है और आपको पिंपल्स की भी प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन का मैं बता रही हूँ, एक्चुअली ऑयली स्किन के बारे में बताएं, तो आप एक एलोवेरा ले लो। एलोवेरा में क्या, एलोवेरा का जो अंदर का पल्प है वो ले लो थोड़ा सा, और इक्वल क्वान्टिटी में आप नीम के पत्ते सुखा के या तो उसका पाउडर कर लो या तो नीम के पत्ते का जूस ले लो। जूस नहीं, आप पाउडर ले लो और पाउडर अच्छे से करके, लेकिन जो नीम के पत्ते हम सुखाते हैं उसका पाउडर बनाओ घर में धो के सुखा के वो दोनों को, और एलोवेरा का जो पल्प रहेगा वो तो जूस ही रहेगा, वो तो गीला रहेगा, वो दोनों को मिक्सी में पीस लोगे पत्तों को, बारीक पाउडर को और एलोवेरा का पल्प को, तो और फिर वो आप एक पेस्ट बन जाएगा। आप वो पेस्ट बना के रख दो और वो अपनी स्किन पे कंटिन्यू लगाओ। आपके दाग धब्बे जो ऑयली स्किन के जो प्रॉब्लम होते ना, पिंपल्स के दाग और इसके उसके दाग, वो सारे दाग निकले, स्किन एकदम साफ हो जाएगी आपकी, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। और एक गोल्डन वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं गोल्डन वर्ड्स, गोल्डन थिंग्स, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में यूज़ करी है और वो मैं कामयाब हुई हूँ, तो आपको भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई दुश्मन हो या आपको कोई परेशान करता हो या आपसे कोई जेलसी करता हो या आपको कोई ब्लेम कुछ आप पे, आपको कोई आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता हो या कुछ भी करता हो, तो आप उनसे दुश्मनी करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। उनसे दुश्मनी करने से अच्छा है, उनसे दुश्मनी करने में अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अगर हमारे बच्चे, आपके पास बच्चे हैं तो अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए आप वो आपका जो फ्रस्ट्रेशन है ना कि मुझे उसने ऐसे किया वैसे किया, वो आप कूल हो जाओ और वही मेहनत अपने बच्चों पे लगाओ, तो बच्चे कामयाब हो जाएंगे। तो जो जलने वाले हैं, जो आपको परेशान करने वाले, खुद जेर हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे बहुत दिनों से मन में है ये चीज़, और मैंने उस चीज़ को मेरे बच्चे माशाल्लाह कामयाब किया मैंने, तो फिर मैंने आपको भी बताया। तो अगर आपको कुछ भी स्किन से रिलेटेड या कोई ट्रीटमेंट भी पूछना है या सीखना है, कोई बच्चों को भी सीखना है या मेकअप से रिलेटेड पूछना, आप पूछ सकते हो। मेरा 3K हुआ, उस खुशी में मैं आपके सामने आई हूँ। थैंक यू सो मच।